अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज का न्यू ब्लॉग शुरू करते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं कर रही हूँ कुछ भी नहीं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं डोरा शोर खोली आई हूँ, विंडा शिंडा खोली आई हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। कपड़े शपड़े धोते तो वो ज़रा बाहर फैलाए हुए थे, मैं ज़रा धूप छुप लगी कच्चे कपड़े की। तो बस अभी मैंने जो है ना खाना वगैरह खाया, खाना क्या नाश्ता किया उठ के, तो बस बच्चे स्कूल गए हुए। तो अभी हो गए हैं तकरीबन 2:20 बाकी हैं, तो अभी मैं जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए और फिर आके तो कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बैठी हूँ, अभी चाय शाय मैंने पी। ये देखें जी बाहर का मौसम, और अभी काफ़ी तेज़ जो है ना धूप लगी थी, तो थोड़े से तो पैर पर ना बादल अच्छी गए, निक्की निक्की जड़ा ना धूप लगनी भी, लेकिन ये है कि अभी गर्मी काफ़ी बहुत होगी, यानी कि इस बादल की वजह से सर्दी नहीं होगी। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है बड़े मज़े की, और ये है कि वैसे धूप निकली हुई है लेकिन अभी बादल हो रहे हैं, इसका मतलब है बारिश होगी। तो पहले मैं नाश्ता कर चुकी थी, तो बस फिर मुझे ना एक और चीज़ याद है कि फ्रिज पे ही थे, तो मैं पता है कमज़ोर होना चाहनी है, तो इस वेला कुछ ना कुछ खानी रहनी है ना। मैं नहीं है कि जरा मैं ज़्यादा कमज़ोर ना ही गच्छा, ये ना मैं सुखी गच्छा, तो बाहर हवा उच गच्छा उड़ रही ना गच्छा, तो इसलिए मैं साथ साथ कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। तो अभी मैंने दही भले पड़े थे वो खाया था, एक प्लेट पे ही, तो अभी मैं उसको जो है ना धोती हूँ। और साथ में आज शाम में क्या पका रही हूँ वो भी मैं सोच रही हूँ। मैंने अभी कीमा कढ़ा है फ्रिज में से, तो अभी देखती हूँ कीमा बनाती हूँ या कोफ्ते बनाती हूँ, इनमें से कोई एक चीज़ तो मैं बनाऊँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं पढ़े धोती हूँ, और जब तक मैं बच्चों को लेकर वापस आऊँगी तो जब तक कीमा भी थोड़े जे खुश खुश हाल होगी ऐसा ना, क्योंकि जो जुड़े हुए तो जो सर्दी ना ज़रा थोड़े ठंडा ना जुड़े ना, तो ज़रा खुली गए सन, तो फिर देख सकें उनका फिर क्या बना सा, यानी कि कोफ्ते बना सा या कीमा बना सा। तो अभी तो मैं धोती हूँ नहीं, तो मैं आ गई हूँ अभी बच्चों को लेने के लिए। और आपको पता है कि जब छुट्टी टाइम होती है तो उनकी पार्किंग नहीं लगनी, तो फिर क्या मसला हो गया। तो बस अभी मैंने जो है ना वो जल्दी जल्दी, मैं आज थोड़ी सी जल्दी आ गई थी, मैंने कहा ताकि जो है ना पार्किंग मिल जाए, वरना क्योंकि गर्मी है तो बच्चे जब चल के आते हैं तो फिर सबसे छोटे वाला कहता है मुझे कि उठा के लेके चलो, तो वो मेरे से नहीं हुआ जाता, तो मैं इसलिए आज थोड़ी सी जल्दी आ गई और फिर मुझे आज थोड़ी सी पार्किंग नज़दीक मिल गई, वरना थोड़ी सी दूर खड़ी करनी पड़ती है गाड़ी। तो बस अभी जो है ना 5-10 मिनट वेट करूँगी गाड़ी में, और उसके बाद जाएँगे बच्चों को लेने के लिए। और अभी मैंने बनाया है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चे कुछ नहीं खाते, तो अभी बच्चों से पूछेंगे कि उन्होंने क्या खाना है, तो उसके बाद डिसाइड करेंगे कि बच्चों को मैंने जो है ना वो पिक कर लिया है। तो बच्चों ने कहा है कि हमने खाना है पिज़्ज़ा, तो वो भी जो है ना ऑर्डर किया है। तो अभी बड़ा जो बेटा है वो पिज़्ज़ा लेने के लिए गया है, तो अभी घर जाके इनको खिलाएंगे पिज़्ज़ा और फिर शाम को खाना बनाएंगे। और खाने में मैंने आपको बताया जैसे कि कीमा मैंने निकाल के रखा है, अभी देखते हैं कि कीमा बनाते हैं कोफ्ते, कोई तो कुछ तो बनाएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं बड़े बेटे का, तो अभी लेते हैं पिज़्ज़ा और फिर चलते हैं। बाला आज गर्मी है, ये क्या है गर्मी है ना, गर्मी नहीं लग रही आपको ना। अभी मैंने एसी चलाया हुआ गाड़ी के अंदर क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी है बाहर, तो अभी बस बड़ा बेटा पहुंच गया लेकर आ गया है पिज्जा, तो भी चलते हैं घर और फोन रखते हैं नीचे। ये देखे जी आ गया है हमारा पिज़्ज़ा, तो अभी हम जा रहे हैं घर और खाएंगे पिज़्ज़ा, मैं तो नहीं खाऊंगी बच्चे खाएंगे। तो बड़ी सोच विचार के बाद मैंने सोचा क्यों ना कोफ्ते ही बना लिए जाएं, तो ये मैंने इसके लिए जो है ना प्याज काट के, तो ऑयल के अंदर मैं इसको भी थोड़ा सा ब्राउन कर रही हूँ, फिर उसमें मैं डालूँगी टमाटर, टमाटर भी मैंने कट के तो रख लिए हैं, तो कीमे को भी मैंने मसाला शसाला लगा लिया। तो अभी मैंने गोलियाँ छोलियाँ नहीं बनाई, यानी कि कोफ्ते नहीं बनाए, तो बस मैं अभी इसमें जो है ना पहले ये बना लूँगी, उसके बाद फिर मैं वो जो कोफ्ते हैं फिर वो बना के तो उसमें डालूंगी। ये देखिए कि अभी मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, जैसे मैंने सुरख मिर्च और काली मिर्च, नमक और सादड़ा मिर्च, हल्दी शल्दी जेड़ा तो संगे मसाला नज़र रखना हो तो सब पाई सकने हो अपनी मर्जी नाल। तो ये जी मैंने जो है ना प्याज ब्राउन हो गया था, उसके बाद फिर मैंने इसमें जो है ना टमाटर डाल दिए, साथ मसाले मैंने आपको बता दिए थे कि क्या क्या डालें, बिच अच्छी सी कॉल, तो फिर मैं कॉल बिजी हुई गई सी, तो इतनी देर देखा टमाटर शमाटर सारा कुछ गली गए, तो बस अभी मैं इसको सही तरीके से गला गुलू के फिर इसके अंदर जो है ना मैं कोफ्ते डालूंगी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ राउंड राउंड गोल गोल कोफ्ते। ये देखें जी ये हैं कोफ्ते, तो बस अभी ये जो है ना वो मसाला अच्छे तरीके से बन जाए, तो उसके बाद फिर मैं ये इसके अंदर मिक्स करूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डाल के दम लगा दूँगी, और उसके बाद दम दमा के बाद अच्छे तरीके से जब ये पक जाएंगे तो फिर मैं बंद कर दूँगी। तो अभी बनाते हैं, बस ये मैंने अभी इसको लगा दिया है दम दमा दम दम, और ये अच्छे तरीके से जो है ना फिर ये गल गुल जाएगा। तो ये देखें, तो बस मैंने इसको हल्की आँच पर रख दिया है, तो ये गल जाए और इसका जो जितना भी अर्क वर्क है वो पास, यानी कि जो पानी है जो शोरबा है उसमें चला जाए, ज़्यादा शोरबा भी नहीं रखना क्योंकि मेरे हस्बैंड को शोरबा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो बस हल्की हल्की ग्रेवी हुई थी, तो बस उसके बाद बनाएंगे रोटी और फिर खाएंगे ये यमी यमी से कोफ्ते।
जी तो हो गए हैं मज़ेदार किस्म के कोफ्ते हमारे तैयार। तो अभी मैं इसमें जो है ना वो धनिया डाल रही हूँ थोड़ी खूबसूरती के लिए, यानी कि खूबसूरत लगे थोड़ा सा। और अभी मैं इसमें जो है ना उबले हुए अंडे डाल रही हूँ, ये देखें जी काट लें उबाल रहे हैं, और पहले काटने नहीं है, पहले उबालने हैं फिर काटने हैं फिर रख देने हैं। पूरे पूरे भी तुसा रखी सकने हो अगर तुसा को बहुत ज़्यादा ने, वैसे ये कट करके रख लें, पूरा तो हर कोई नहीं खाता, जो खाता है हाफ खा लेगा, अगर जिसने पूरा खाना फिर उठा लेगा तो खैर वो खूबसूरत भी लगता है थोड़ा सा, इस वजह से मैंने जो है ना हाफ कट करके इसके अंदर डाल दिए। तो सब मैं लाजमी दस्यो कि तुसा की शक्ल ये इसने की है जी लगनी पी, यानी कि ये कैसा लग रहा है। तो बस मैं अभी बनाऊंगी साथ रोटी, ते पहली रोटी मैं सट्टी किन्नी ते पीछे बह आया बच्चों बहुत ज़्यादा रोला, ते ए रोटी नाल नाल पकासा किए कि मुँह च आया पानी के जल्दी जल्दी नाली भुख लगी बहुत सारी, तो बस जल्दी जल्दी रोटी पके और खाएंगे खाना। खाना हो गया हमारा रेडी, तो बस अभी हम खाने लगे हैं खाना। अगर आपको मेरी ये चवल सी वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना कंजूस लोग। मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।